हेलो दोस्तों, मैं चंद्रवान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर हूं और मानसून का समय है, बारिश का मौसम है। तो आज मैं जा रहा हूं बागेश्वर धाम आगरा से, जो मेरी ट्रेन है उदयपुर खजुराहो इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो दोस्तों, वैसे तो मैं बागेश्वर धाम जाता रहता हूँ और इस समय मैं मानसून में जा रहा हूँ, जो कि मानसून का मौसम है तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इंतज़ार करते हैं उदयपुर खजुराहो इंटरसिटी एक्सप्रेस का आगरा कैंट पे, जिसका यहाँ 10:25 का समय है आने का। और ट्रेन के आने के बाद हम उसमें बोर्डिंग करेंगे, बैठेंगे, उसके बाद हम देखते हैं शाम को इसका 6:50 का समय है खजुराहो पहुँचने का। तो बने रहिए मेरे साथ चंद्र ब्लॉग में और इस बागेश्वर धाम जर्नी का आप आनंद लीजिए। देखिए, ट्रेन के सिग्नल हो चुके हैं और इस समय हमें जर्नल में सफ़र करना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। शनिवार और मंगलवार के लिए काफ़ी भीड़ जाती है खजुराहो के लिए, क्योंकि वहाँ बागेश्वर धाम की भीड़ रहती है। दोस्तों देखिए, इस ट्रेन में हम जनरल कोच में सफ़र कर रहे हैं और यहाँ भीड़ इतनी अधिक है कि हमें जगह नहीं मिली है। ऊपर की बर्थ पे हम बैठे हुए हैं और अभी कम से कम 2.5 या 3 घंटे का समय है जो हम खजुराहो पहुँचेंगे। और ये ट्रेन की स्थिति देखिए किस तरह से है, पूरी गैलरी यहाँ श्रद्धालुओं से भरी पड़ी हुई है और ये अधिकतर श्रद्धालु जो हैं बागेश्वर धाम के लिए ही जा रहे हैं। नीचे की स्थिति आप देखिए। दोस्तों, इस समय 6 बज रहे हैं और ये महुबा रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन खजुराहो के लिए रवाना होते हुए, और ये हम सुबह 10:30 आगरा कैंट से इस ट्रेन को हमने बोर्ड किया था, जो कि 6:50 का समय है इसका खजुराहो पहुँचने का। आज यह ट्रेन 1 घंटे की देरी से चल रही है, तो देखते हैं ये किस समय हमें ये खजुराहो पहुंचाती है। खजुराहो रेलवे स्टेशन आ चुके हैं, जो कि ये ट्रेन उदयपुर खजुराहो इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 घंटे की देरी से यहाँ पहुँची है। और अब हम स्टेशन के बाहर चलते हैं, जहाँ से हमें ऑटो मिलेगा। तो ऑटो में आप शेयरिंग में भी जा सकते हैं, पर्सनल में भी जा सकते हैं, और यहाँ से 50 रुपये पर सवारी ऑटो वाले बागेश्वर धाम के लेते हैं। तो चलिए चलते हैं बागेश्वर धाम। दोस्तों देखिए, हमें ऑटो मिल गया है और हम 10 सवारी हैं, हम 10 लोग हैं जो कि बागेश्वर धाम जा रहे हैं और ऑटो वाला 50 रुपये सवारी ले रहा है। तो हम कल यहाँ ट्रेन के द्वारा आगरा से बागेश्वर धाम आ गए थे, खजुराहो आए थे, खजुराहो से ऑटो के द्वारा यहाँ बागेश्वर धाम आ गए थे। तो इस समय अब हम रात को यहाँ स्टे किया था, ये सामने गेस्ट हाउस है। तो अब हम सुबह नहा धोकर के हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और बालाजी बागेश्वर धाम जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों ये देखिए, अभी कुछ समय पहले जब हम आए थे तो ये रोड नहीं था, ये पक्का कंक्रीट का रोड बना दिया गया है। तो यहाँ आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छी
व्यवस्था की जा रही है और यहाँ आपको कुछ सालों के बाद यहाँ एक बागेश्वर धाम बालाजी का भव्य दरबार भी देखने को मिलेगा, भव्य मंदिर भी देखने को मिलेगा। और जो सामने आप देख रहे हैं टीन सेट में, ये एक स्थल बना दिया गया है जहाँ पर जो यहाँ के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं वो यहाँ दरबार लगाते हैं। और कुछ इस समय यहाँ बारिश हुई है तो इसलिए यहाँ जगह जगह जल भराव है। दोस्तों, जो इस समय जो आप रोड देख रहे हैं, ये पहले कुछ समय पहले बहुत ही छोटा रोड हुआ करता था, अब दुकानें बहुत दूर दूर काफ़ी चौड़ी कर दी गई हैं, काफ़ी चौड़ा रोड कर दिया गया है। और आने वाले समय में यहाँ बहुत ही भव्य और सुंदर ये बागेश्वर धाम स्थल होगा देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। यहाँ से जो भी श्रद्धालु आते हैं, ये लगातार ये प्रसाद की दुकान है, नारियल की दुकान है, जहाँ से श्रद्धालु नारियल जो है अपनी मन्नत के अनुसार ले सकते हैं, काला, लाल और सफ़ेद। और ये सामने श्री राम दरबार, जहाँ जे पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी जो अपना दरबार लगाते हैं, लेकिन दरबार तो नहीं, वहाँ पर उनका श्री राम और जानकी और लक्ष्मण जी का वहाँ भव्य मंदिर है उसके अंदर। तो आने वाले समय में एक बहुत ही विहंगम यहाँ मंदिर बनाया जाएगा। दोस्तों, इस समय हम बालाजी परिसर मंदिर में आ चुके हैं, जहाँ पर ये श्रद्धालु परिक्रमा भी कर रहे हैं। और इस समय हम परिक्रमा पथ के द्वारा ही जा रहे हैं, जहाँ से एंट्री है। पहले ये सामने जो आप जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से एंट्री हुआ करती थी। और ये सामने जो आप हॉल देख रहे हैं, इस हॉल में दरबार लगेगा, शाम को दरबार लगाया जाता है। जो हैं परिक्रमा पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। और कितने श्रद्धालु यहाँ देखिए, किस तरह से ये परिक्रमा पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं। और ये हमारा मानू, अभी ये देखिए जो मंदिर परिसर है बालाजी बागेश्वर धाम जी का, तो अभी यहाँ काम चल रहा है, अभी सालों लग जाएंगे यहाँ पर भव्य मंदिर बनने में। और ये शुद्ध पेय निःशुल्क जल सेवा, अब यहाँ से प्रवेश द्वार, यहाँ से एंट्री कर दी गई है। तो यहाँ से अब हम अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जिगजैग द्वारा जो रेलिंग लगाई गई है, इसमें हमें काफ़ी घूमना पड़ेगा, इन रेलिंगों में हमको काफ़ी घूमना पड़ेगा। और जगह जगह हमें काफ़ी अंदर चक्कर लगा करके उस वक्त काफ़ी देर के बाद हमें उस मंदिर तक पहुंचना है। ये हवन कुंड है, परिसर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तो यहाँ जो है अंदर वीडियो फोटोग्राफी वर्जित है, तो बस हम आपको बाहर से ही दर्शन मंदिर के करा सकते हैं।
दोस्तों देखिए, हमने बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन कर लिए हैं और यहाँ मंदिर परिसर में काफ़ी तोड़फोड़ कर दी गई है क्योंकि यहाँ मंदिर को भव्य रूप दिया जा रहा है और अच्छी व्यवस्था की जा रही है। जब जगह की कमी होने के कारण यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था की जा रही है, इसलिए यहाँ बड़े स्तर पर काम चल रहा है। तो और हमने दर्शन कर लिए हैं और मैंने आपको पहले भी कहा था कि वीडियो फोटोग्राफी अंदर वर्जित है, तो हमने दर्शन बड़े आराम से कर लिए हैं। ठंडा पानी बोतल, ठंडा पानी बोतल जाके पैर रखो। यहाँ बाबा का लंगर चलता है तो यहाँ श्रद्धालु प्रसादी ग्रहण करते हुए दरबार के लिए यह नया हॉल बना है। इस हॉल में यहाँ दरबार लगेगा आज 29 तारीख को और इस समय अभी 1:30 बज रहा है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि शाम को दरबार लगेगा। तो देखिए अभी भी यहाँ जरा भी जगह नहीं बची है। कुछ श्रद्धालु देखिए यहाँ इस तरह से आए हुए हैं। इस बच्चे को देखिए, गले में जंजीर पड़ी हुई है, जंजीर से बंधा हुआ है ये लेडीज के साथ यह बच्चा। और आगे भी मैं आपको दिखलाता हूँ, एक व्यक्ति जो है पैरों में जंजीर बंधी हुई है, ये देखिए। इस तरह से यहाँ लोगों को लाया जाता है इलाज के लिए। दोस्तों देखिए, यहाँ इस तरह से टेंट हैं, इन टेंटों में हम रुके हुए थे। ये पर 100 रुपये व्यक्ति के हिसाब से लेते हैं, गद्दे के हिसाब से लेते हैं। लेकिन एक स्थिति अब यहाँ हो चुकी है, पहले ऐसा नहीं था, यहाँ 24 घंटे का हुआ करता था। लेकिन अभी मेरी श्रद्धालुओं से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आते हैं तो पहले तय कर लें कि कितने बजे खाली करना है, कितने घंटे के लिए है, क्या है, क्योंकि बाद में फिर झगड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पहले तय करना ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, हम बागेश्वर धाम आए हुए थे और हमने बागेश्वर धाम में कल दर्शन किए और आज हम दूसरे दिन उसके, आज 30 तारीख है, 30 तारीख को वापस हम आगरा के लिए जा रहे हैं। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं उदयपुर खजुराहो इंटरसिटी एक्सप्रेस लगी हुई है। हमारा रिजर्वेशन नहीं मिला था तो हमने जनरल बोगी में ही, हमने यहाँ पर जगह मिल गई है जनरल बोगी में आराम से। और यहाँ से जब आगे ट्रेन चलेगी तो यह ट्रेन जो है पूरी पैक्ड हो जाएगी, क्योंकि जनरल बोगी की स्थिति आप जानते हो किस तरह से होती है। और जो मेरे पीछे ये लगी हुई है, ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो हज़रत निज़ामुद्दीन से खजुराहो के लिए चलती है। तो दोस्तों आज हमारा ये बागेश्वर धाम का जो सफ़र है समाप्त होता है और वापस हम आज अपने घर आगरा जा रहे हैं। और हम अभी आपको अंदर ट्रेन का कोच दिखलाते हैं। इस समय भीड़ थोड़ा कम है लेकिन फिर भी जनरल कोच फुल हो चुका है, तो बने रहिए मेरे साथ चंद्रा ब्लॉग में। और ये कुछ स्टेशन इस तरह का है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ये उदयपुर खजुराहो इंटरसिटी एक्सप्रेस चलने को तैयार है।